Hi guys, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand. Friend, this is Rahul Rawat and once again I heartily welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine and today in this video I am going to talk about latest update and latest announcement which is recently released by Uttarakhand Open University about your bag examination form 2023. So, firstly, I would like to make announcement here. So, kindly pay attention, all of you guys, just for a few minutes. I would like to share the information with you that the date of back examination form, back assignment form, improvement form, and examination city changes form has been extended by Uttarakhand Open University. Absolutely right, and you guys can fill your back form, improvement form, examination city changes form, and back assignment form till 20 December Dohajar 2023. All right. So, this is a quite good thing.

इन ऑर्डर टू द नोटिफिकेशन जिसमें जानकारी दिया गया है कि आप लोगों के लिए ये वार्षिक सेमेस्टर पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु तो जिसमें शीतकालीन परीक्षा सत्र दिसंबर संबंधित है ये वार्षिक सेमेस्टर पाठ्यक्रम की परीक्षा हेतु तो बैक एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों के लिए इंप्रूवमेंट फॉर्म और बैक असाइनमेंट फॉर्म व एग्जामिनेशन सिटी चेंजेस फॉर्म आप लोग 20 दिसंबर 2023 तक आप ऑनलाइन माध्यम से चेंजेस कर सकेंगे और फॉर्म फिल कर सकेंगे बिकॉज जो ये लास्ट डेट थी पहले 15 दिसंबर 2023 रखी गई थी और अब इसे एक्सटेंड करके 20 दिसंबर 2023 तक रखा गया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप लोगों को मौका दिया गया है आप लोगों अपना बैक फॉर्म 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 इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन सिटी चेंजेस और बैक असाइनमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आप लोगों के पास टाइम पीरियड है अभी ऑलराइट अनदर थिंग इज दैट बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन ये आ रहे थे कि बैक फॉर्म फिल करने के बाद एग्जामिनेशन कब होगा तो फरवरी और ट्वेंटी तक आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रस्तावित हो सकते हैं और होंगे एंड uh, बाकी काफी सारे स्टूडेंटों को ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि बैक असाइनमेंट लॉग इन नहीं हो रहा है तो देखिए अभी फॉर्म फिल्ड हो रहे हैं तो इसके लिए बैक असाइनमेंट वाले स्टूडेंट्स के हो सकता है कि पोर्टल आगे आप लोगों के लिए बहुत जल्द अपडेट होगा ये यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है बाकी आप लोग थोड़ा वेट कीजिए बिकॉज यूनिवर्सिटी ने तो आप लोगों को इकतीस जनवरी दो तक का टाइम पीरियड दे रखा है तो आप लोग बाद में सबमिट कर सकते हैं तब तक फिलहाल आप लोग अपना स्टडी करें सब्जेक्ट से रिलेटेड और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पहली बार अपने असाइनमेंट

और पंद्रह मिनट आपको टाइम भी ड्यूरेशन दिया जाएगा ईच वन ऑफ क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा तो आपको एज पॉसिबल फ्रीक्वेंटली में अपना आंसर सबमिट करना है बिकॉज आपको पंद्रह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पंद्रह मिनट ही दिए गए हैं आफ्टर असाइनमेंट सेकेंड आपका सब्जेक्टिव रहेगा जिसमें कि आपको टेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे वन अंकों का रहेगा इस क्वेश्चन एंड आपको जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा फोर्टी फाइव मिनट का रहेगा ऑल राइट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे तो आप लोगों को दोनों सबमिट करने हैं असाइनमेंट फर्स्ट एंड असाइनमेंट सेकेंड आप लोगों को दो अटैम्प्ट दिए जाएंगे सबमिट करने के लिए ऑल राइट right. तो बाकी ओल्ड कोर्स पैटर्न का तो सेम ही है सेम असाइनमेंट जिनका प्रीवियस टाइम पीरियड पर जिस तरीके से उन्होंने सबमिट किया था वैसे ही एज एट इज रखा गया है बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पर आगे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकूं एंड बाकी मिलते हैं जल्द आपको एक अदर वीडियो के साथ तब तक लिए जिन भी कैंडिडेट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग